हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहा लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो और अपना ख्याल रख रहे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मखाने से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। मखाने को फूल मखाने, फोक्स नट और कमल का बीज भी कहा जाता है। तालाब, झीलों और दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला मखाना पोषक तत्वों से भरपूर एक वाटर प्रोडक्ट होता है। मखाने में आसानी से पचने वाला प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे खनिज तत्व और कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। मखाने का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। मखाने को रेगुलर खाने का सबसे आसान और हेल्दी तरीका है, एक कटोरी मखाने को एक चम्मच देसी घी में 2 से 3 मिनट तक भून लें और फिर इसे चबाकर खा लें। प्रोटीन होने के कारण मखाना खाने पर लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है, जिससे ओवरईटिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। मखाने में फैट, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो जब भी आपको मील ब्रेक्स में कुछ खाने का मन करे तो आप मखाना खा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं मखाने से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले है हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। इसे रोजाना खाने से चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते, चेहरा लंबे समय तक यंग और ग्लोइंग रहता है, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है और साथ ही बालों का भी असमय सफ़ेद होना स्टॉप होता है। नेक्स्ट है मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाता है। मखाना प्रोटीन से भरपूर होता है। एक्सरसाइज करने वाले या जिम जाने वालों को मखाना जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से मसल्स बिल्ड भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। नेक्स्ट है हार्ट हेल्दी रखता है। मखाने के सेवन से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है किडनी को हेल्दी रखता है। मखाना खाने से शरीर से हानिकारक टॉक्सिक तत्व बाहर होते हैं, जिससे किडनी में किसी भी तरह की समस्या ना के बराबर हो जाती है। मखाने के 5 ग्राम बीज को चीनी के साथ पीसकर पाउडर बना लें और इसे दूध के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से पथरी के रोग में भी आराम मिलता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज पेशेंट के लिए मखाने को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। मखाने को भूनकर रोज खाने से बॉडी में इंसुलिन लेवल सही रहता है, यानी डायबिटीज कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट है कमजोरी और थकान दूर करता है। मखाना एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है। इसे रेगुलर दूध के साथ खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है, प्रजनन क्षमता में सुधार आता है। मखाना खाने से पेट के रोगों में भी आराम मिलता है। दस्त होने पर भी मखाने भूनकर खाने से राहत मिलती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मखाना खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम से भरपूर मखाना हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके नियमित सेवन से हड्डियों और जोड़ों के दर्द से भी मुक्ति मिलती है और गठिया के मरीजों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। मखाने के सेवन से तनाव दूर होता है और अनिद्रा यानी इंसोमनिया की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आप नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए रात को सोने से पहले नियमित रूप से दूध के साथ मखानों का सेवन करें और फर्क खुद ही महसूस करें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।